अगर इस तरह की समस्या है आप लोगों को तो ये उपाय आजमाना और बहुत ही अच्छा उपाय है, आप लोग करके देखना। इस तरीके से कट जाते हैं जांघों के बीच में, तो एक बार में ही फ़ायदा मिलेगा आप लोगों को। राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और आज कोई वीडियो भी नहीं था और हमने सोचा नाना धोना हो गया है, बारिश हो रही है, बहुत तेज़ की बारिश हो रही, तो सुबह सोचा था सुबह वीडियो कोई बनाएंगे लेकिन नहीं बना पाए। तो फिर जो यूट्यूब का मतलब होता है कि जो हम नॉलेज वाली बातें जो जानते हैं तो उसी को शेयर करते हैं, तो उसके लिए हमने सोचा कि लाओ आज ये वाला शेयर किया जाए। और ये आजमाया हुआ नुस्खा है, ये हमारी सासू माँ ने बताया था, तो ये आजमाया हुआ है। और प्रॉब्लम होती थी, पहले भी होती थी, अभी भी होती है, तो उसके लिए हम उपाय बताएंगे कि कैसे क्या करना है। और इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे, पता है जो जांघ होती है जांघ के बीच में कट जाता है चलने से, जैसे जब ज़्यादा चलते हैं, ये बारिश के मौसम में ज़्यादा होता है और जांघों के बीच में जैसे कट जाता है, तो फिर जब ज़्यादा होता है तो फिर चलने में दिक्कत होती है, चल नहीं पाते हैं हम। और बहुत से जैसे चलने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो इसलिए उसके लिए नुस्खा। और हम भी एक बार बहुत ज़्यादा ही उसमें बैठ गए, बहुत ज़्यादा ही परेशान थे, पता है हमें चला नहीं जा रहा था, तो हमें दिक्कत हो रही थी। तो फिर एक जैसे हमने कहा कि हमको तो चला ही नहीं जा रहा, तो अपनी सास को बताया, तो सास कहने लगी कि अरे उनको भी किसी ने बताया था, उनको भी देते हैं, तो आंगनवाड़ी में थी तो उनको चलना फिरना ज़्यादा होता था, तो अब ज़्यादा जब चलते हैं तो जल्दी कटती हैं जैसे, तो फिर उन्होंने बताया कि कुछ नहीं करना है, बस ये जो सरसों का तेल है, और सरसों का तेल जैसे कोई ढक्कन वगैरह में, कोई किसी छोटे बर्तन में ले लो और उंगली में लगा के बस वहाँ पे लगाना, जहाँ पे जैसे एकदम रैसेस हो गए हैं, लाल पड़ गया है, जिस जहाँ पे चला नहीं जा रहा, तो वहीं पे बस एक बार लगाना है, आपको एक सेकेंड में ही फ़ायदा मिलेगा। और जो जैसे उसके बाद में लाइक करना वीडियो को जब आपको फ़ायदा मिले, क्योंकि ये आजमाया हुआ है और एक समझ लो एक सेकेंड में इससे फ़ायदा मिलता है, उसके बाद में जैसे तुरंत आराम मिल जाएगा, फिर आप चल सकते हैं। उसके बाद में एक दो बार और लगा लें, बिल्कुल भी सही हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी चलने फिरने में, क्योंकि हम भी बहुत परेशान थे और परेशानी तो हो ही जाती है, पता है जब चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, जब ये जंघासी कट जाती हैं तो चलना फिरना मुश्किल तो होता ही है, हम भी बहुत परेशान थे। लेकिन ये जब से आजमाया तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला हमें, तो अब जब भी, पहली बात तो जल्दी होती रही है, और कभी भी अगर ये समस्या हो गई तो फिर यही करते हैं, तो उससे आराम। ये सरसों का तेल कोई भी हो, जैसे आपके यहाँ मस्टर्ड ऑयल जो सब्जी में छोंकते हैं, कोई भी हो उसी से फ़ायदा मिल जाएगा, सिर्फ आप एक बार लगा के देखना, तुरंत आराम मिल जाए तभी आप लोग कमेंट करना, क्योंकि ये बारिश के दिनों में ज़्यादा होता है, ये कीटाणु वगैरह हो जाते हैं, इससे भी होता है और चलने से भी कट जाता है, तो इसलिए ये हमने सोचा कि बारिश के दिनों में बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए ये वीडियो बनाया। तो आप लोग आजमा के देखना, उसके बाद में बताना कि ये नुस्खा हमारा कैसा लगा, किसी के बताया हुआ नहीं है, ये हमारा अपना है, ये हमारी सास ने बताया और हमने आजमाया है, तो तभी बता रहे हैं, कोई भी चीज़ ऐसे नहीं बताते हैं, जब भी हमें फ़ायदा मिलता है जिस चीज़ से तो उसी को हम बताते हैं, तो उससे हमें फ़ायदा मिला, इसलिए आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। और बारिश खूब बढ़िया झमाझमकी हो रही है, बच्चे अभी उठे नहीं हैं, और हमारी गाय ने बच्चा दिया है तो उसको भी अभी लगाना, लेकिन बारिश इतनी तेज हो रही है तो वो वहाँ पे कोई जा भी नहीं सकता, सोनो ही लगाते हैं, हम तो कभी जाते नहीं, जाते हैं लेकिन वो गाय मारती बहुत है इसलिए नहीं जा पाते। और जिसके भी साथ ये समस्या है तो आप लोग ज़रूर आजमाना, ये उपाय कारगर है। तो फिर चलिए, फिर मिलते हैं, नीचे सब लोग बातें कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं, एक तो बारिश की भी आ रही है, तो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही लेकिन हो रही है,
बच्चों को उठाना है, कल से स्कूल भी है, कल पहली तारीख है तो कल स्कूल भी है, इसलिए अभी जा रहे बच्चों को उठाने। और ये मेथी धुली थी, आज तक धूप नहीं निकली, जब से धुली तो ऐसे ही यहीं पड़ी है, सूख गई है लेकिन थोड़ा बहुत भले वो हो। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।